नमस्कार शिव, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त में आपके साथ महक, आइए बात करते हैं इस वक्त की खास अपडेट की। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट के बाद अब सोना ऑल टाइम हाई से 12,000 रुपए सस्ता हो गया है। सोना इस साल के भी सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 11 दिनों से सोने में गिरावट जारी है। मध्य प्रदेश में लगातार 11 दिन से गिरते सोने की कीमतों ने सोने को साल के सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट के चलते ग्राहकी बढ़ गई है। अगर सोने के रिकॉर्ड हाई की बात करें तो सोना 12,000 से ज्यादा सस्ता हो चुका है। वहीं पिछले 2 महीने की बात करें तो सोना लगभग 3,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। इंदौर सराफा बाजार में सोना कैटबरी 46,075 रह गया। देखिए खबर, अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये मौका अच्छा साबित हो सकता है। काफी लंबे समय तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहने के बाद अब सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट होली तक की बताई जा रही है। उसके बाद सोने के दाम में उछाल आ सकता है। वहीं बात मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की करें तो सराफा बाजार में एक बार फिर से खरीदारों के चहल पहल दिखने लगी है। इसका कारण सोने के रेट में आई भारी गिरावट माना जा रहा है। आज यानी 9 मार्च की सुबह तक सोने के भाव की बात करें तो यहां पर 24 कैरेट गोल्ड 46,075 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इस बीच चांदी की कीमतों में भी 1200 रुपए की गिरावट आई है। चांदी 66,650 रुपए प्रति किलो रह गई है। तो ये था हमारा तक का अपडेट। हर वक्त की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। वैसे मैं आप भी बने। नमस्कार।